हेलो माइनक्राफ्टर्स, आज हम लोग कोशिश करेंगे सरवाइव करने का, वो भी इस एमपीटी स्काई आइलैंड पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और ये आइलैंड है जमीन से काफी ज्यादा ऊपर आसमान में। इस स्मॉल से आइलैंड पे हमारे पास एक ट्री, एक रिवर, दो रिवर, एक ही तो है। इस आइलैंड पे हमारे पास कुछ लिमिटेड चीजें होंगे जिनको यूज करके हमें सर्वाइव करना होगा, क्योंकि हमारे ढेर सारे गोल्स हैं यहाँ पे, इसलिए लिमिटेड ऑप्शन में काम करना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो देखते हैं क्या हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे या फिर गेम को एग्जिट करना पड़ेगा। तो डे वन और यहाँ पे हम स्पॉन हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम होने वाला है वुड लेना, और इसी वुड से बन गया हमारा क्राफ्टिंग टेबल। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, जिससे हम कर पाएंगे क्राफ्टिंग। और इसी क्राफ्टिंग टेबल का यूज करके हमने बनाया अपने लिए एक एक्स और एक सॉर्ड। नाइस। जिससे हम काट कूट पाएंगे लाइक दिस। हाँ? उसके बाद हमने फिर से कुछ वुड काटे, जिससे हमने बनाया एक बेड, और चढ़ गया पेड़ के ऊपर क्योंकि रात होने वाला है। इसके बाद मुझे कुछ पत्ते दिखे जिसको कि मैंने काट दिया फॉर सैपलिंग्स। उसके बाद मैंने सोने का सोचा और सो गया। अगले सुबह मैं इधर उधर देखने लगा कहीं कोई मॉब तो नहीं है, और फिर मैं पेड़ से उतर गया। नाइस। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत सीड्स का जुगाड़ किया। इसके बाद मैंने इस पूरे आइलैंड को घेरने का सोचा मिट्टी और पत्थर से, ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो जाए। इतने में ही बारिश शुरू हो जाता है। हा? और मुझे भूख भी लग जाता है। अब क्योंकि मेरे पास फर्नेस नहीं है, इसलिए हमको खाना कच्चा ही खाना पड़ता है। चकल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अब क्योंकि मेरे पास टाइम का अंदाजा नहीं है, इसलिए हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम अपने अड्डे पे वापस जाएं। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने लिए कुछ वुड काटे और आजू बाजू भी घेर लिया। तो अभी से ही हमें ढेर सारे मॉब्स दिखना भी शुरू हो चुका है, और मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि इस पूरे आइलैंड में मैं अकेला सर्वाइव कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा देर करना चाहिए, इसलिए मैं भी सो जाता हूँ। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो सुबह होते ही हम अपने काम पे निकल गए, और मुझे अचानक से ये क्रीपर भी दिख गया, और उसने भी मुझे देख लिया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो यहाँ से मुझे काफी ज्यादा स्टोन मिल रहा है, तो इसे भी ले लेते हैं। ओके। उसके बाद मुझे ये ज़ॉम्बी दिखा जिसको कि मैंने थोड़ा सा तंग किया, तो मैं क्या करूँ, और उसके बाद मार दिया। उसके बाद फिर से हम अपने काम को शुरू कर देते हैं। अब ये सब कर ही रहे थे कि रात हो जाता है, और हम अपने घर पे वापस चले जाते हैं, और घर पहुंचा ही था कि नींद आ गया, तो सो गया मैं। अगले दिन फिर से हमारा पाला एक क्रीपर से भरा। उसके बाद मैं भूल गया क्या हुआ। उसके बाद मैंने लगे हाथ कुछ फूड्स का भी जुगाड़ कर लिया। इसके अलावा भी हमने कुछ छोटे मोटे काम किए लाइक गड्ढों को भरना, मिट्टी को हटाना, सैपलिंग्स का जुगाड़ करना और पेड़ लगाना। तो मैं क्या करूं। इसके अलावा कच्चा मीट ना खाना पड़े, इसके लिए कुछ फर्नेस ही बनाया। यार कितना मेहनत करता हूँ मैं, तुम लोग लाइक ही नहीं करते। और फिर से हमने अपना वही काम शुरू कर दिया, और हर बार की तरह ये सब करते करते रात हो जाता है, और काफी ज्यादा मॉब्स भी स्पॉन होने लगते हैं। एक सेकंड, क्या तुम्हें लगता है हम अपने घर पे पहुंच पाएंगे, कमेंट में बताओ। अब गुड न्यूज तो ये है कि हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, पर हमारे साथ आया है एक स्पाइडर, सॉरी दो स्पाइडर, जिनमें से एक को तो मैंने मार दिया और दूसरे वाले के लिए रास्ता बंद कर दिया, और फिर सो गया। तो सुबह उठ के मुझे ये मॉब्स दिखते हैं, और मैं चला जाता हूँ इनको मारने। वहाँ कुछ नहीं हुआ, तुम भूल जाओ। उसके बाद हम अपने काम को फिर से शुरू कर देते हैं। ये सब करते करते हमें एक लावा लेक भी मिलता है, जो बाद में काम में आ सकता है। ओके। ये सब करते करते फिर से रात हो जाता है, पर इस बार हम जल्दी घर लौटेंगे, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अगली सुबह मैंने एक ज़ॉम्बी को मारा, एक ज़ॉम्बी को मरते हुए देखा। अरे कुछ तो शर्म करो। एक क्रीपर मेरे सामने फटा। चकल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। उसके बाद हमने अपना रोज का काम शुरू कर दिया। उसके बाद बारिश शुरू हो जाता है, और मैं भीग जाता हूँ। अब क्योंकि मैं एक ही काम करते करते बोर हो चुका था, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना इस रिवर को कुछ और पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाए। मस्त प्लान है।
अब क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि रात होने वाला है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ, और क्या करता क्योंकि अभी मेरे लिए घर इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए पहले हम इस आइलैंड को रहने लायक करेंगे। अगले दिन मैंने फिर से कुछ ज़ॉम्बीज को मारा। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अब ये सारे एक ही काम बार बार करते करते मैं इतना बोर हो चुका था, इसलिए हम निकल गए माइनिंग पे, जहाँ से हमें मिला ढेर सारे स्टोन्स, पत्थर और स्टोन ब्लॉक्स, जिसके बाद मैं इतना डीमोटिवेट हो गया था कि मैं एक दूसरे साइड पे रिवर बनाने लगा। उसके बाद रात हो जाता है और मैं सो जाता हूँ। अगले दिन फिर से मुझे एक स्केलेटन दिखा और मैं गया उसको मारने। उसके बाद कुछ भी तो नहीं हुआ। तो अभी हम अपने आइलैंड को फिर से घेरेंगे और दोबारा से माइनिंग पे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक बकेट जिसे बनाने के लिए हमें लगेगा आयरन। बात तो सही है। पर इतना मेहनत के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय ढेर सारा पत्थर के। अब मैंने नहीं सोचा था कि काम करते करते इतना रात हो जाएगा कि मेरे लिए घर तक पहुंचना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। अब एक क्रीपर बिल्कुल मेरे नीचे है, इसलिए मुझे घर से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। ओप्स, यहाँ पे एक स्केलेटन भी है। क्या तुम्हें लगता है मैं बच पाऊंगा? जल्दी कमेंट में बताओ। मुझे नहीं पता मैं इतना धीरे क्यों चल रहा हूं, पर अभी मुझे तेज भागने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओप्स, फिलहाल के लिए मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा कम है और नीचे ढेर सारे मॉब्स भी है। आई होप मैं बच जाऊं। तो सबसे पहले तो मैं इस जगह को टोटली घेर देता हूं ताकि कोई भी मॉब्स अंदर ना आ पाए, और फिर सो गया। तो अगले सुबह मैंने फिर से माइनिंग स्टार्ट किया और मुझे फाइनली एक स्केलेटन मिला, जिसको कि मैंने मार दिया। और मैंने देखा फिर से बार बारिश शुरू हो चुका है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। तो अगले कुछ दिन मैंने अपना ध्यान बस माइनिंग पे दिया और उस टाइम पे मैं जमीन के अंदर ही रहता था, जिसके कारण हमें कुछ आयरन और डायमंड मिले। इसके अलावा उन दिनों मैंने अपने अधूरा छोड़े गए नदी बनाने के काम को भी पूरा किया। इसके अलावा मैंने बनाया एक घर ताकि चीजें रखने में आसानी हो सके। अगले दिन हम इस पूरे रिवर को घेरने लगे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ये रिवर अभी पसंद नहीं आ रहा। कर मेरे को जानता नहीं है। उसके अगले दिन हमने एक ब्रिज बनाया। फिलहाल के लिए हम इसमें स्टोन यूज करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस पूरे जगह को रिवर बना दिया जाए और उसके बीच में हम बनाएंगे अपने लिए घर। मस्त प्लान है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से डर्ट हटाएंगे और इस पेड़ को भी हटाएंगे। उसके बाद हमने इन गड्ढों को भी भर दिया। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद ये आइलैंड कुछ ऐसा लग रहा था। अब बारी है नदी के बाकी पोर्शन को भी स्टोन से कवर करने का। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत मच्छी पकड़े, जिनको कि हमने वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। अगले दिन हमने तैयार किया एक और ब्रिज जो सीधा जाएगा हमारे घर तक। अब इसमें मैं यूज करूंगा वुड, क्योंकि मेरे पास अभी ढेर सारे वुड्स है। तो इस ब्रिज को मैं ट्रैप डोर से घेरूंगा, जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। उसकी एक हफ्ते बाद हमारा आइलैंड कुछ ऐसा लग रहा था। मैंने डर्ट से इस जगह को पूरा कवर कर दिया है। तो बारी है इस जगह को पूरा फैंसी से घेरने का। फिर इस जगह पे हम ढेर सारे एनिमल्स को पालेंगे। पैसा ही पैसा होगा।
अगला दिन शवल का यूज करके हमने बनाया रास्ता और बचे हुए जगह पे हमने व्हीट फार्म बनाए। और फाइनली हमने डिसाइड किया बनाने का अपना खुद का घर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यही वो जगह है जहाँ पे हम बनाएंगे अपना खुद का घर। अब क्योंकि जगह थोड़ा छोटा है हम सोच रहे हैं इस जगह को थोड़ा सा एक्सपेंड करने का ताकि हमारा घर भी थोड़ा सा भरा बन जाए। बात तो सही है। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसीलिए हमने कुछ बड़े पिलर्स खड़ा कर दिया। ये बाबूराव का स्टाइल है। और नीचे हमने कॉबल स्टोन बिछा दिए और घर के अंदर हम बिछाएंगे स्लैब ताकि कोई भी मॉब्स ना स्पॉन हो जाए। मस्त प्लान है। उसके बाद हमने थोड़े से पेड़ काटे फिलहाल हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है और सच बताओ तो अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लाल। अभी हम इसके ऊपर को प्लैंक से घेरेंगे तो हम हमारे घर में विंडो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और ये ट्रैप डोर मुझे काफी सही लग रहा था इसीलिए स्काई विंडो बना दिया। तो फिलहाल हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है। नाइस। उसके बाद हमने ऊपर भी ट्रैप डोर से घेरा जिसके बाद मुझे पसंद नहीं आ रहा था तो तोड़ दिया। उसके बाद हमने अपने घर पे रोशनी दिया जिसके बाद हमने विंडो में भी चेंजेस किया और घर के अंदर बनाया एक झूला। नाइस। और बाहर कुछ फ्लावर्स लगाए तो फाइनली हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है। उसके कुछ दिनों बाद हमारे फार्म में एक पिंक शीप भी स्पॉन हुआ था। जली ना, तेरी भी जली ना। तो आज के लिए इतना ही। इससे ज्यादा एडिट मेरे फोन में नहीं हो सकता। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मैं जा रहा हूँ।